हाँ जी बोलो जी, मैं आपके घर के कूलर चेक करने आया हूँ। क्यों भाई, क्यों करने तुझे कूलर चेक, है कौन तू? सर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो भाई मुझे चेक कर ले, दो दिन से बुखार उतर रहा है चढ़ रहा है, माता छू के देख। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा हूँ? अरे मैं क्यों गलत समझ रहा हूँ तुझे, तूने तो बताया तू हेल्थ डिपार्टमेंट से आया है। हाँ सर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से आया हूँ, लेकिन हेल्थ नहीं बल्कि आप अपने कूलर का पानी रोज बदलते हैं या नहीं ये चेक करने आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो तू पानी बेचने आया है, पर भाई हमें कोई पानी वानी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे पानी क्यों बेचने लगा मैं, सरकारी नौकरी है मेरी। डेंगू आजकल बहुत फैल रहा है, इसलिए डिपार्टमेंट की तरफ से कूलर के पानी में मच्छर का लार्वा चेक करने आया हूँ मैं। ओ पागल, किसी और को बनाइयो, लावा ज्वालामुखी का होता है, मच्छरों का नहीं। लावा नहीं लार्वा, मच्छर के बच्चे। ओए तमीज में बात करियो, किसे बोल रहा मच्छर के बच्चे, तू होगा मच्छर का बच्चा। सर सर सर, मैं आपको कैसे समझाऊं? ओ समझदार, पहले तो खुद समझ ले, कभी बोल रहा कूलर चेक करने आया हूँ, कभी मच्छर चेक करने आया हूँ, कभी पानी चेक करने आया हूँ, कभी बोल रहा लावा चेक करने आया हूँ। भाई तू खुद को समझा ले, करना क्या चाहता है। मैं कूलर में पानी, पानी में लार्वा और लार्वा की ब्रीड चेक करने आया हूँ। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, मुझे अपने कूलर दिखा दीजिए। नाना मैं नहीं चेक करा सकता तुझे कूलर। अरे ऐसे कैसे मना कर सकते हो, देखो चुपचाप कूलर दिखा दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा भाई, क्या कर लेगा तू है? मैं रिपोर्ट बना के भेज दूंगा कि तुम्हारे कूलर के पानी में मच्छर का लावा मिला है। ओ वो लार्वा होता है, लावा नहीं, अभी तूने ही बताया था। हाँ हाँ लार्वा, और इसके लिए कम से कम 10,000 का चालान कटेगा तुम्हारा। चालान? वो तो चालान भी काटता है क्या? हाँ ये रही चालान बुक। ओहो अच्छा अच्छा, अब समझ गया मैं, तू हेल्थ डिपार्टमेंट से नहीं ट्रैफिक वाला है। अरे क्यों दिमाग में कीले ठोक रहा है, ये कहाँ लिखा है कि चालान सिर्फ ट्रैफिक वाला काटता है? भाई मेरा तो जब भी चालान कटा है ट्रैफिक वालों ने ही काटा है। आज हेल्थ डिपार्टमेंट वाला काटेगा, चुपचाप अपने कूलर दिखाओ। फिर भाई बात, अब कहाँ से लाऊं कूलर? कूलर लाना नहीं है, मुझे कूलर के पास लेकर जाना है। अच्छा चल फिर दुकान पे। अरे दुकान पे क्यों जाएंगे, अब कूलर तो वहीं मिलेगा ना। अरे दुकान वाले नहीं, अपने घर वाले कूलर दिखाओ। ओ भाई हम लोग कूलर यूज नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो एसी लगा हुआ है। अबे तेरे घर में कूलर नहीं है, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई, पूरा टाइम खराब कर दिया मेरा। अबे मैंने तेरा दिमाग खराब करा है, तूने मेरे दिमाग कैसे सिकर दिया सुबह सुबह, चल निकल यहाँ से। वास कर रहा है, कैसे कैसे पागल लोग मिल जाते हैं यार, इन्हें तो आगरा भेज देना चाहिए। शालू, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वो जो एसी की बाल्टियां लगा रखी है ना हमने, वो पानी जाके उड़ेल दे, बड़ी मुश्किल से बचे, नहीं तो आज चालान कट जाता। क्यों अब आ गई अकल, जब पिछले 4 दिनों से मैं बोल रही थी तब तो कानों पे जू तक नहीं रेंग रही थी। अरे हाँ मेरी माँ, चलो चल कर कहीं कर। यार तो फिर आ गया, आपके घर में कूलर नहीं है लेकिन एसी तो है ना, एसी से निकलने वाला पानी आप रोज फेंकते हैं कि नहीं ये दिखाइए। हाँ हाँ तो चेक कर लीजिए, रोका किसने, हम वो पानी रोज फेंकते हैं। अच्छा जी, तो ये बाहर रखी हुई बाल्टी का पानी आपने कब से नहीं फेंका? बहुत बढ़िया, अब बोल भाई। वाह भाभी जी वाह, क्या फुर्ती है, अरे इसके लिए तो आपको मेडल मिलना चाहिए। मगर अफसोस आपकी सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, और ये रहा तुम्हारा 10,000 का चालान। बोलती थी मैं पानी फेंक दो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता था ना, अब भरो चालान। अरे तू नहीं फेंक सकती थी, कटवा दिया ना 10,000 का। कितनी काम की थी। अरे